जीते हैं, चलो मिलकर चाय पीते हैं। आज की रेसिपी क्या बनने वाली है आप सभी तो जान ही गए होंगे। तो आज की वीडियो गर्मा गर्म चाय के चुस्की के नाम। घर पर मेहमान आए या फिर कोई रिश्तेदार, हम सभी चाय को कभी भूलते नहीं हैं। सुबह हो या शाम, एक कप चाय ना मिले तो सारा मूड खराब हो जाता है। सिर्फ तीन चीजों से बनी एक कप चाय, दूध, चीनी, चाय पत्ती, हमारे तन, मन और दिमाग को खुश कर देती है। तो आज की रेसिपी गर्मा गर्म चाय को बनाना शुरू करती हूँ। चाय बनाने के लिए मैं दो कप दूध को ले ली हूँ, एक कप हमारे लिए और एक कप आप सभी के लिए। अब मैं थोड़ी देर दूध को उबाल लेती हूँ। दूध हमारा आप देख सकते हैं कि उबल रही है। अब मैं इसमें चाय पत्ती को डाल देती हूँ। चाय पत्ती डाल के मैं इसे थोड़ी देर और उबाल लेती हूँ। चाय को हम थोड़ी देर और उबाल के अब मैं इसमें चीनी को डाल देती हूँ। चीनी आप अपना हिसाब से ले सकते हैं, चीनी आप कम या ज़्यादा, आप जितना मीठा पीते हैं उतना आप दे सकते हैं। मैं चीनी को डाल दी हूँ, ऐसे खौला लेती हूँ थोड़ी देर। इसे अच्छे से चम्मच से मैं मिला लेती हूँ। अब मैं इलायची को इसे बेलन से हम चूर लेते हैं। इलायची डालने से हमारा चाय के जो टेस्ट है ये बहुत ही खूबसूरत आएगा। मैं इलायची को डाल देती हूँ, मैं चाय में दो इलायची को डाल देती हूँ। इलायची डालने से हमारा चाय का जो है टेस्ट ये बढ़ जाएगा। अब मैं छोटा सा टुकड़ा अदरक को इसे कस करके डाल देती हूँ। अदरक डालने से हमारा चाय बहुत ही अच्छा पीने में लगेगा। अब मैं इसमें डाल के इसे अच्छे से मिला लेती हूँ और थोड़ी देर और इसे मैं गर्म कर लेती हूँ। चाय हमारा उबल रही है, अब मैं चाय को बंद कर देती हूँ। आप सभी से बातें करते करते हमारा चाय बनकर तैयार है। आप इसे पीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये चाय जो है बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब मैं इस कप में चाय को ढार ली हूँ। अब मैं प्लेट में थोड़ा मिक्सचर और बिस्किट से सजा लेती हूँ। अब मैं बिस्किट से प्लेट को सजा लेती हूँ। चाय के साथ बिस्किट ना हो या मिक्सचर ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें मिक्सचर को डाल देती हूँ और बादाम थोड़ा डाल देती हूँ। अब मैं चार खजूर को डाल देती हूँ। हमारा चाय के साथ नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे पीजिए और आनंद उठाइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। हमारी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप सभी के लिए नई रेसिपी मैं क्या बनाऊं कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो में। तो कल की रेसिपी को चखने के लिए ज़रूर आइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।